हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं या आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ लिखा है द फिगर गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। ईच रीजन इन द फिगर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब यहाँ पर ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बैडमिंटन को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स को। अब हमें इन सर्कल्स के बेस के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। मतलब है कौन सा वर्ण उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है बी सी जी एफ। तो बी सी जी एफ में से हमने ऐसा रीजन बताना है जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार है। और क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जो सभी खेलों को रिप्रेजेंट करता है या सभी गेम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है, देखिए जी, यहां पर जी जो है वो सिर्फ बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, जो ई है वो सिर्फ बैडमिंटन को, ए सिर्फ टेनिस को। अब देखेंगे डी, डी कॉमन है इस सर्कल में और इस सर्कल में, इसका मतलब डी टेनिस को भी और बैडमिंटन को भी। यहां पर सी भी है टेनिस को भी और बैडमिंटन को भी, लेकिन सी इसके पास भी है बास्केटबॉल के पास। इसी तरह से बी जो है वो टेनिस एंड बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करता है, और एफ जो है वो बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल को। हमारे पास सी एक ऐसा रीजन है, इकलौता रीजन है जो तीनों गेम्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सी हमारे पास टेनिस में भी है, यहां देखिए बैडमिंटन में भी है और बास्केटबॉल के पास भी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि सी ही तीनों सर्कल में कॉमन पोर्शन है, इसलिए ये तीनों गेम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ टेनिस एंड बास्केटबॉल बट नोट बैडमिंटन। अब हमें ऐसा रीजन सो यहां पर रिप्रेजेंट करना है, फाइंड आउट करना है जो टेनिस भी खेलते हैं और बास्केटबॉल को भी, या ऐसा रीजन जो टेनिस और बास्केटबॉल दोनों को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन उसमें बैडमिंटन नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो पोर्शन नहीं आएगा उसी को रिजेक्ट करते हैं, बैडमिंटन नहीं आएगा तो ये वाला हमने सर्कल रिजेक्ट कर देना है। तो हमारे पास सिर्फ बचेंगे अब ए बी जी, क्या बचेंगे ए बी जी, क्योंकि व्हाट नोट बैडमिंटन का मतलब है उसमें बैडमिंटन नहीं होना चाहिए। तो डी ई सी एफ रिजेक्ट होके बाहर चले गए। अब इसमें से टेनिस एंड बैडमिंटन दोनों आने चाहिए। तो देखिए कौन सा पोर्शन आ गया, टेनिस एंड बैडमिंटन, ये टेनिस है ये बैडमिंटन है, तो ये तो सिर्फ बास्केटबॉल है, इसमें टेनिस नहीं है जी में, और ए में टेनिस है बास्केटबॉल नहीं है, लेकिन बी ऐसा रीजन है जो दोनों टेनिस को भी और बास्केटबॉल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर आएगा यहां पर बी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस बट नोइदर बैडमिंटन नोर बास्केटबॉल। हमें वो वाला रीजन देखना है जो टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा व्हाट नोट बैडमिंटन नोट बास्केटबॉल। तो अब देखिए यहां पर नो लिखा है, नॉट बास्केटबॉल, नाइदर बास्केटबॉल, नाइदर बैडमिंटन। हमें सबसे पहले ये दोनों रीजन निकाल देने हैं बाहर। तो हमने बैडमिंटन को भी बाहर निकाल दिया, बास्केटबॉल को भी बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ए। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक डी ई सी बैडमिंटन से बाहर हो गया,
और बास्केटबॉल को बाहर करेंगे तो बी सी एफ जी, बी सी जी एफ, बाकी बचेगा हमारे पास ए। तो सिर्फ ए रीजन ऐसा है जो सिर्फ टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा, ए रीजन ऐसा है जो टेनिस को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी किसी भी स्पोर्ट्स को या गेम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस केस में हमारा आंसर है ए। विच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट द बास्केटबॉल, मतलब कौन सा वर्ण उन छात्रों को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन दोनों को खेलते हैं बट बास्केटबॉल को नहीं खेलते हैं। टेनिस भी बैडमिंटन भी बट नॉट बास्केटबॉल, तो जो नॉट है वो हमने सबसे पहले रिजेक्ट करना है। बास्केटबॉल का ये पोर्शन है बी सी, देखिए हमने रिजेक्ट कर दिया बी सी एफ जी, हमारे पास बचा क्या ए डी ई, ए डी ई। अब इसमें से टेनिस एंड बैडमिंटन जो दोनों के पास कॉमन होगा, ए डी ई में टेनिस एंड बैडमिंटन में सिर्फ डी कॉमन है, क्योंकि ए जो है ये बैडमिंटन के अप्रोच से बाहर है, ई टेनिस के अप्रोच से बाहर है। तो हमारा आंसर आएगा डी, और डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले रिजेक्ट करना है जो चीज हमें नहीं चाहिए, नॉट नाइदर, जहां पर लिखा होगा वो हमने रिजेक्ट कर देनी है, बाकी जो बचेगा उसमें से हमें आसानी से आंसर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली टेनिस। ऑप्शन है हमारे पास ए डी सी बी, हमें ऐसे वर्ण को निकालना है जो सिर्फ टेनिस को खेलते हैं, ऐसे बच्चे जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो देखिए ओनली टेनिस का मतलब बाकी बैडमिंटन बास्केटबॉल रिजेक्ट हो गए, बैडमिंटन बास्केटबॉल रिजेक्ट, तो इसका मतलब ये हमारा पोर्शन रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, हमारे पास सिर्फ ए पोर्शन बचा और ए हमारा आंसर है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा होता है ओनली बैडमिंटन, तो ओनली बैडमिंटन में हमारे पास सिर्फ ई है तो ई आंसर होना था, अगर पूछते ओनली बास्केटबॉल तो ओनली बास्केटबॉल में जी आंसर। यह है हमारा अगला क्वेश्चन, यहां लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर द गर्ल्स हु आर डांसर एंड डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर। दी गई आकृति में लड़कियां जो नृत्यांगनाएं व अनुशासित अनुशासन प्रिय है किस संख्या द्वारा दर्शाई गई है। तो देखिए यहां पर ये गर्ल्स है, ये डिसिप्लिन है, ट्रायंगल से बॉयज को रिप्रेजेंट किया गया है और सर्कल से डांसर को, तो हमें निकालना क्या है, गर्ल्स डांसर डिसिप्लिन ये हमें दिया गया है, यहां पर किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं लगा है, तो इसका मतलब है गर्ल्स भी होनी चाहिए डांसर भी होने चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो गर्ल्स कौन से पोर्शन में है, देखिए ये रेक्टेंगल यहां पर, तो हमारे पास 10, 5, अब 4 रिजेक्ट हो गया क्योंकि 4 हमारे ट्रायंगल से बाहर है, 3, 6, 1 पोर्शन आया। अब उसके बाद है डांसर, डांसर सर्कल में आया, इसका मतलब हमें 10 रिजेक्ट करना पड़ रहा है और 1 भी रिजेक्ट करना पड़ रहा है, ये सर्कल के बाहर हो गया, 1 सर्कल के बाहर, 10 भी सर्कल के बाहर। उसके बाद है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन कहाँ लिखा है, ये लिखा है, डिसिप्लिन का मतलब है ये जो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर में 1 और 9 तो पहले से ही बाहर है, 6 आया, तो हमारा आंसर 6। तो सिर्फ 6 जो रीजन ऐसा है जहां पर गर्ल्स डिसिप्लिन भी हैं और वो डांसर भी हैं, तो हमारा आंसर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 3, 6, 4, 1, इसमें 6 इज द राइट ऑप्शन। इन द फॉलोइंग फिगर द गर्ल्स हु आर नॉट डांसर एंड ऑल्सो नॉट डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाई विच नंबर, 3, 6, 5, 10। हमें दर्शाना है ऐसी लड़कियां जो ना तो नृत्यांगनाएं हैं और ना ही अनुशासित है, हमारे पास ऑप्शन है 10, 5, 3, 6।
देखिए यहां क्या दिया है, गर्ल्स हु आर नोट डांसर एंड नोट डिसिप्लिन्ड। तो सबसे पहले तो हमें लड़कियां देखनी है, लड़कियां किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं। लड़कियां रेक्टेंगल को, मतलब 10, 5, अब 4 बाहर आ जाएगा, 4 नहीं आएगा हमारे पास, 3, 6 और 1, ये गर्ल्स रिप्रेजेंट करती है। तो 1, 7, 9 और 4 बाहर हो जाएगा। अब नोट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल से बाहर का पोर्शन, रेक्टेंगल में डिसिप्लिन है, इसके बाहर का पोर्शन। तो सिलेक्ट कौन सा रहा, 5, 6, बाकी सभी रिजेक्ट हो गए। तो ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, सिर्फ 5 और 6 बचे। अब इसमें लिखा है नोट डांसर, डांसर का मतलब है सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर तो डांसर है, तो 5 भी रिजेक्ट हो गया, हमारे पास बचा ऑप्शन 6। तो देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है ऐसी लड़कियां जो डांसर भी नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। तो सबसे पहले हम रिजेक्टेड, जहां पर रिजेक्टेड हमारा पोर्शन है वो देखते हैं। डांसर नहीं है का मतलब है सर्कल से बाहर, तो सर्कल के अंदर के रिजेक्ट हो जाएंगे। 5 रिजेक्टेड, 4 तो पहले से रिजेक्टेड है, 3, 6 हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे डांसर की वजह से, 5, 3, 6। और डिसिप्लिन भी नहीं है, तो डिसिप्लिन में ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका मतलब 1, 6, 9 नहीं आएगा। तो 6 रिजेक्टेड है पहले से ही, 1 भी रिजेक्टेड है, 9 भी रिजेक्टेड है। अब गर्ल्स ऐसी लड़कियां जो ये नहीं हो, तो बचेगा कौन सा पोर्शन, तो गर्ल्स कौन सी हैं, 10 देखिए गर्ल्स के पास है, 10, 5, 3, 6, 1, 5 रिजेक्टेड है, 3 रिजेक्टेड है, 6 रिजेक्टेड है, 1 रिजेक्टेड है, और 9 तो गर्ल्स में है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास बचा ऑप्शन 10, तो 10 जो है वो सही ऑप्शन है। और फ्रेंड्स अगर हमसे पूछा जाता है ऐसे बॉयज जो ना तो डांसर है ना डिसिप्लिन है, तो हमने बॉयज देखिए 7, 3 में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिसिप्लिन नहीं है, तो 3 बाहर निकल जाएगा, हमारे पास सिर्फ 7 ऑप्शन बचेगा। और 7 जो है वो डिसिप्लिन भी है, डांसर भी है और बॉयज भी है, तो हमारा आंसर उस केस में होता 7। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है तो एक असाइनमेंट आपके लिए है, आपको फाइंड आउट करना है द बॉयज हु आर डांसर एंड नॉट डिसिप्लिन्ड। दी गई आकृति में ऐसे लड़के जो नृत्य कर लेते हैं लेकिन अनुशासित नहीं है, वो किस नंबर द्वारा दर्शाए गए हैं। ऑप्शन है 3, 6, 1, 7। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।